गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अमरजीत क्लासेस में। एंड आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के बीच हमेशा बना रहूं और एक नए एनर्जी के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अमरजीत क्लासेस मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, है ना। और आशा करता हूँ कि मैं ऐसा करके आऊँगा, क्योंकि आप लोगों का सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए? कि आप लोग हमको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा सब्सक्राइबर्स बढ़े और मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, है ना, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ। ठीक है, चलिए दोस्त, जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि फिगर काउंटिंग क्या है। फिगर काउंटिंग है, इस फिगर काउंटिंग में हम आज ट्रायंगल पे बात करेंगे। किस पे बात करने वाले हैं? ट्रायंगल पे। ठीक है, चलिए तो ट्रायंगल की बात करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो ट्रायंगल का जो जो टॉपिक है वो रीजनिंग का है। क्या है? रीजनिंग का है। चलिए ठीक है, मैं एकदम सिंपल में, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए सिंपल में फिगर काउंटिंग की बात करते हैं। त्रिभुज से एक त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज आप लोगों ने देख रहा, ठीक है। चलिए ये त्रिभुज, अब यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी है? वन। क्या है? वन है। चलिए यहाँ पे वन है, और इस त्रिभुज में मैंने ये बना दिया यहां से ऐसे। तो यहाँ पे आप कहोगे एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, और इसमें क्या हो जाएगा त्रिभुज? अब मैं बताता हूँ इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तीन त्रिभुज। कितने त्रिभुज होंगे? तीन। कहोगे तीन कैसे होगा? देखिए, चलिए एक तो ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज होगा। अगर इस डंडे को हटा दे तो एक और त्रिभुज बनता है, जो कि तीन को क्या, तीन त्रिभुज। देखिए अब तीन कैसे होगा, हम ऐसे करेंगे, एक प्लस दो बराबर तीन। ठीक है, चलिए एक और त्रिभुज ऐसे देखेंगे, ये। अब इसमें कितना त्रिभुज होगा? ठीक है, इतने इसमें कितना त्रिभुज होगा? अब यहाँ क्या करेंगे, एक दो तीन हो गया। अब ऐसे करके तो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, नहीं? तो कॉम्प्लेक्स जब हो तो इसके लिए एक शानदार तरीका क्या है, देखिए सबको नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, वन टू थ्री। देखिए जैसे मैंने यहां बताया था, बस सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। देखिए कैसे, वन प्लस टू प्लस थ्री बराबर क्या हो जाएगा, थ्री और थ्री सिक्स ट्रायंगल। इसमें कितने ट्रायंगल होगा? सिक्स। चलिए इस तरह से और त्रिभुज की बात करें, जैसे मान लो आप ये त्रिभुज मैंने बनाया, एक दो तीन, इस तरह से मान लो ये त्रिभुज है। ठीक है, चलिए तो यहां भी अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, कितने त्रिभुज होंगे? एक दो तीन चार, ऐसे करके। अब त्रिभुज को मैं गिनूंगा, एक प्लस दो तीन, आ तीन छ चार दस। तो ये हो जाएगा यहाँ पे दस त्रिभुज हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? दस त्रिभुज हो रहे हैं, विल बी योर आंसर, राइट। चलिए इस तरह से मैंने अभी तक देखा, और इसमें एक ऐसे त्रिभुज मैं ले लूं ऐसे करके, अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? ठीक है, चलिए इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो वैसे तो गिनने में बहुत ही टाइम लगने वाला है, और मैं जब पढ़ाऊंगा और मेरे साथ जो भी लोग पढ़ेंगे उनको टाइम नहीं लगेगा। क्या उनको टाइम नहीं लगेगा? वो कैसे? ऐसे कि हर क्वेश्चन के लिए मैं 20 सेकेंड से 30 सेकेंड लगाऊंगा। ठीक है, 20 सेकेंड से 30 सेकेंड लगने वाले हैं, तो आप लोगों को डिसाइड करना है 30 सेकेंड में बनाना है या 2 मिनट में बनाना है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्लास जो मेरा रीजनिंग में होने वाला है, वो होने वाला है कथन और कारक, जिसको हम वेन डायग्राम के जरिए समझेंगे, और बिल्कुल आसान, कभी भूलोगे नहीं जीवन में, है ना, ऐसे तरह से पढ़ाएंगे। चलिए सर, मैं फिलहाल इससे बात करूँ, इसमें कितने त्रिभुज, अगर ऐसे गिने एक नॉर्मल आदमी जो गिनेगा, जो आप लोग एक नॉर्मल आदमी कैसे गिनेगा बताता हूँ। एक दो तीन चार पाँच, पांच त्रिभुज है, और ज्यादा दिमाग लगा, इसके पांच के अलावा एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, ऐसे लगाएगा ना। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सर, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? जोड़ लेंगे सर, क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर तीन और तीन छ चार दस और पाँच 15, टोटल 15 त्रिभुज। कितने त्रिभुज होंगे? 15। लेकिन लेकिन अगर इस चीज को मैं यहां से ऐसे कर दूं तो क्या होगा? ठीक है, तो
क्या होगा, देखिए क्या होगा। अब यहां से दो कहने का मतलब, एक चीज बताओ आप, यहां से यहां तक मैंने जब किया तो ये 15 आया था, और फिर ये तो आधा पोर्शन इधर आ गया, फिर आधा वाला तो ऊपर चला गया, मतलब यहां से भी करने जा रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहां भी करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, आएगा 15 टोटल मिला के आ रहा है हमको। टोटल मिला के अगर ऐसे कर दे त्रिभुज को, ऐसे बीच में अगर खींचा हुआ रहे लाइन, तो ऐसे में 15 ऊपर 15 नीचे, तो टोटल मिला के हो जाता है 30। और मैं यहां नंबरिंग नहीं करूंगा, क्या नंबरिंग नहीं करेंगे, जस्ट क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि जैसे ये है, ये मैंने 15 तो मैं जानता हूं इसको 15 है। अब जैसे यहां पे एक लाइन खींचा है ना, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या फिर यहां पे एक लाइन खींचा गया तो कितना, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर यहां से फिर यहां एक लाइन खींचा गया तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, क्या 1, 2, 3, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, अच्छा 15 दुना 30, 30 दुना 60, और 60 दुना 120, ऐसे कर, ठीक है। चलिए तो इस तरह से होता है त्रिभुज, है ना। चलिए तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था, है ना। अब एक क्वेश्चन और भी, ऐसे भी आपको देखता देखते होइएगा क्वेश्चन, ऐसे त्रिभुज बना और एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, और ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके आ गया, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं हुआ हमें ऐसे। अब ऐसे में कैसे बनेंगे सर, तो हम तो एक चीज जान रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 1, 2, ऐसे करके, तो क्या होगा, 3 आ 3 6, 6 4 10, 10 आ 3 13, 13 आ 3 16, त्रिभुज ऐसे बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज का एक सिंपल था, है ना। चलिए तो इस टाइप का त्रिभुज हमारे यहाँ से सबके सब त्रिभुज, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सब बन जाएंगे, राइट। चलिए तो एक और क्वेश्चन करें, इसे मान लीजिए ये एक आयत मैंने बना दिया, एक आयत बना दिया, अब इस आयत में मैंने ये कर दिया, इसमें कितने त्रिभुज होंगे बोलिए, इसमें हो जाएंगे 12, कितने त्रिभुज हो जाएंगे 12, वो कैसे, चलिए वो कैसे होगा, इसको पहले मैं मिटा लेता हूं और इसको थोड़ा जूम करते हैं, क्या करते हैं, जूम करते हैं।